सालों से? 70 साल से मेरा। 70 साल से खिला रहे? हाँ, 70 साल से खिलाते हैं। अच्छा, मेरे पिताजी समय से ये खाना बहुत अच्छा है। करीबन मैं लगभग 10 साल से यहाँ खाना खाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, हमेशा हम लोग नॉनवेज ही दिखाते हैं, मोस्टली नॉनवेज खा के दिखाते हैं कि कैसा टेस्ट है। आज लेकिन कुछ वेज ट्राई करने वाले। देखिए, हम लोग आ चुके हैं 3 बांधारी मारवाड़ी भोजनालय। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, कृष्ण भोग मिठाई दुकान के ऊपर, अग्रवाल होटल के ऊपर, फ्रेजर रोड, पटना। ये रहा एड्रेस। अब अंदर चलते हैं कि यहाँ वेज थाली मिलता है, उसमें क्या क्या रहता है वो देखेंगे। और यहाँ का व्यवस्था देख लीजिए, किस तरह से आप बैठ के खा सकते हैं। और वहाँ पे अंकल मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अंकल है, उनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या हुआ अंकल? मेरा नाम राम अवतार शर्मा। और कितने सालों से? 70 साल से मेरा। 70 साल से खिला रहे? हाँ, 70 साल से खिलाते हैं। अच्छा, मेरे पिताजी समय से। मेरे पिताजी समय से जी। हाँ, और क्या क्या रहता है थाली में ये बताइए। दिन में 3 तरह सब्जी, रोटी, चावल, दाल, कढ़ी, चटनी, मिर्चा, नमक, पापड़, सब रहता है। और सब्जी कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं? सब्जी तो सीजनली होती है। अच्छा, सीजनल सब्जी। हाँ, जो अभी ननुआ है, करेला है, परवल बदल बदल के होता है। अच्छा, पर डे मतलब अलग। हाँ, कभी लौकी, कभी ननुआ, कभी परवल, करेला, कभी भिंडी, कभी बैगन, ऐसे बनते रहते हैं। यहाँ पे सुना है कि कोयले पे बनता है। हाँ, कोयले पे बनता है, पहले लकड़ी पे बनता था। अच्छा, ना अब कोयला बंद हो, यानी वो गैस बंद, लकड़ी बंद हो गया ना, गवर्नमेंट बैंड लगा दिया, अब कोयला पे बनाते हैं। कोयला पे बनाते हैं। अच्छा, अगर आपके हम थाली खाते हैं, एक पूरा प्रॉपर थाली, तो उसका प्राइस कितना होगा? 100 रुपया। 100 रुपये? 100 रुपये। हाँ हाँ, भर पेट। चलिए, देखिए 100 रुपये में भर पेट खिलाने वाले, तो हम लोग भी देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जी जी जी, देखिए एक चीज और बता रहे हैं अंकल। हाँ बताइए। जूठा छोड़ने में 10 रुपये जुर्माना है। जूठा कोई छोड़ेगा तो 10 रुपये उसको फाइन देना। हाँ, फाइन देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी हो। हाँ, वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये रहा मारवाड़ी थाली का प्राइस है 100 रुपये, जूठा छोड़ने पर 10 रुपये जुर्माना, मतलब कि आपको फाइन लगेगा अगर आप खाते हैं थाली और उसमें जूठा छोड़िएगा तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप चलिए अंदर, वहाँ बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बन रहा है, पूछ लेते हैं। किस चीज़ की सब्जी है? आलू की सब्जी है, सूखा सूखा सब्जी है, आलू की भुजिया टाइप के। अच्छा, यहाँ का ये फेमस चीज़ है। यहाँ का ये फेमस है। हाँ, क्या क्या डालते हैं? जितना इसमें मसाला पड़ता है वही डालते हैं। अच्छा, मतलब ये अलग रेसिपी होता है या फिर नॉर्मल है? यहाँ का अलग है, ये रेसिपी है। ये आलू कहीं नहीं ऐसा मिलता है, कहीं नहीं बनता है। यहाँ पे कोयले पे बनता है जो सब्जी बन रही है, कोयले पे बनता है। और सब्जी का कलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है, देखने में तो बहुत, देखने में ही स्वादिष्ट लग रहा है। देखिए यहाँ सब्जी बन रही थी, और अंदर देख लेते हैं, रोटी सेका जा रहा है। इस तरफ देख लीजिए कोयले में किस तरह से रोटी सेकी जा रही है, उधर बनाया जा रहा, उधर बेला जा रहा है, उस तरफ देख लीजिए। और कौन कौन सी सब्जियाँ देंगे इसके साथ आज? आज एक नेनुआ की सब्जी है जी, एक है जो बैंगन है। अच्छा, एक आलू की सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, रोटी, चावल, चटनी, मिर्चा जी, ये सब साथ में रहता है जी। और एक प्लेट में अगर हमको रोटी चाहिए तो कितनी रोटी? हाँ, मिलेगी? 6 रोटी? नहीं, ऐसे भर पेट है। यहाँ खाएंगे, यहाँ बैठ के खाएंगे तो भर पेट खाइए जो भी खाना है। देखिए यहाँ पे रोटी सेकी जा रही है, और कुछ देर में अब हम लोग का एक प्लेट लगेगा। लेकिन सुने यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक्स्ट्रा चीज़ है कि 100 रुपये में आपको अनलिमिटेड चावल मिलेगा और अनलिमिटेड रोटी मिलेगी यहाँ पे खाने। लेकिन अगर आप जूठा छोड़ेगा तो 10 रुपये फाइन भी देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग भी खाते हैं, अपना प्लेट लगवाते हैं, फिर टेस्ट बताएंगे कि 3 तरह की सब्जी है, रोटी है, चावल है और क्या क्या है। देखिए एक भैया खा रहे हैं, पूछ लेते हैं कि कैसा लगा वेज थाली खा के। ये खाना बहुत अच्छा है, करीबन मैं लगभग 10 साल से यहाँ खाना खाता हूँ और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। 10 साल से लगा? हाँ, 10 साल यानी हर 1.5 महीने में हम लोग यहाँ आते रहते हैं बिजनेस के काम से, लेकिन खाना यहीं खाते हैं हम लोग। इनका खाना बहुत अच्छा है, दूसरों जगह टेस्ट किया लेकिन इनके जैसा टेस्ट नहीं मिला हमको। नहीं मिला। बहुत ज़्यादा ही पसंद। नहीं, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए हमारी थाली आ चुकी है जिसमें 2 रोटी दिया गया और यहाँ पे घी दिख रहा है, घी लगा हुआ है ना? घी लगा के रोटी मिलता है। घी लगा के रोटी मिलता है? हाँ, घी लगा के जी। और ये दाल है? दाल है। हाँ, ये कढ़ी है। कढ़ी है, ये कौन सी दाल है? अरहर की दाल है। अच्छा, अरहर की दाल है। हाँ। अच्छा, सारा मिक्स है, अरहर दाल, मूंग दाल है, सब कुछ मिक्स है। ये आप लोग क्या बोलते हैं, तोरी नेनुआ क्या है? अच्छा, नेनुआ की सब्जी है। हाँ। ये देखिए ये नेनुआ की सब्जी रही है, कढ़ी रही, बैंगन बड़ी है। बैंगन बड़ी। हाँ,
ये आलू है, ये रहा आलू की सब्जी, ये देखिए। और कुछ डालने वाले हैं इसमें? चटनी मिर्चा, देखिए चटनी मिर्चा भी आ चुका है। अब सब प्लेट में पहले ले लेते हैं, उसके बाद खा के आपको बताएंगे कि इसका। चावल भी दे दीजिए थोड़ा, जब पूरा प्लेट ले रहे हैं तो भाई चावल तो खाएंगे ही ना। ये किस चीज़ की चटनी है? आम की चटनी है। आम की चटनी, हाँ। मिर्ची देखिए, आम की चटनी, मिर्ची, नमक, नमक देखिए, यहाँ सब कुछ मिल चुका है। और चावल आ रहा है, चावल भी खाएंगे। दाल है, कढ़ी है, रोटी है, चावल है, चटनी है, मिर्च है, नमक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल चुका है। और अब हम लोग ये खाने वाले हैं, और इसका प्राइस आपको बता ही दिए हैं, 100 रुपये में आप अनलिमिटेड रोटी चावल ले सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। अब गिर गया, देखिए प्राइस अब बता ही दिए, अब खा के भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले आलू की सब्ज़ी ट्राई कर रहे हैं, साथ में पापड़ भी है। देखिए पापड़ भी आ गया, सेका हुआ, ये भी कोयले पे ही पापड़ भी आ चुका है, इसको हाथ में रख लेते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एकदम घर की तरह लग रहा है कि खाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे दाल है, कढ़ी, ये सब एक बार में ट्राई करते हैं। लीजिए ये रहा दाल, आइएगा तो पेट भर जाएगा। अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 से 2 आपको ये खाने को मिलेगा, और पर डे अलग अलग सब्जियां यहाँ पे चेंज होंगी। और शाम की बात करें अगर तो 7 से 10:30 के करीब, 10:30 बजे बंद हो जाएगा, तब तक यहाँ पे आपको सर्विस मिलेगा। और अब देख लीजिए, अब चावल भी खा ही लेते हैं, चावल दाल और आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं, उसके बाद आपको और भी कुछ बताएंगे। देख लीजिए बहुत अच्छा है, 70 साल से ये खाना मिल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आप लोगों को बताएं कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये रहा पापड़, पापड़ भी खाए लेते हैं, शुद्ध शाकाहारी बनाते हैं, और खुले छत के नीचे आप इसको शाम में खा सकते हैं। गर्मी के टाइम की बात बता रहे हैं, शाम में आप खुले छत के नीचे खा सकते हैं, और अभी अंदर खा रहे हैं हम लोग। और लेकिन अगर 100 रुपीज़ में आपको ये फुल प्लेट मिलेगा, लेकिन अगर जूठा छोड़िएगा तो 10 रुपये आपको फाइन ज़रूर भरना पड़ेगा। ये नहीं कि ले लिए और छोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। टेस्ट तो आपको बता दिए, कितनी तरह की सब्ज़ियाँ बताई, टाइम बता दिए, सब कुछ बता दिए, एड्रेस भी बता दिए। तो बस हमारे लाइव सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।